कोरोना के दौरान हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, मेडिकल वर्कर्स ने, खासकर हमारे डॉक्टर्स ने और पैरामेडिक्स ने अपनी जान की बाजी लगा के हम लोगों की जानें बचाई, हम लोगों की सेवा की। ये समय है उनको बताने का कि हम पूरा देश उनका शुक्रगुजार है और पूरा देश उनका सम्मान करता है। जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में लोगों की जानें बचाई, हम उनका उसके लिए सम्मान करते हैं। तीन लोगों के नाम दिल्ली सरकार की तरफ से पद्मा अवार्ड्स के लिए छांटे हैं। ILBS के डॉक्टर एस के सरीन, LNJP हॉस्पिटल के डॉक्टर सुरेश कुमार और मैक्स हॉस्पिटल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा। सरीन साहब देश का नहीं, दुनिया का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक ILBS में चालू किया। ये प्लाज्मा बैंक रात दिन 24 घंटे चलता था और 8000 से ज्यादा प्लाज्मा यूनिट्स यहाँ से डोनेट किए गए। इन्होंने दिल्ली सरकार की सबसे पहली RT-PCR फैसिलिटी सबसे पहले शुरू की। यहाँ पे RT-PCR के टेस्ट होने लगे। उन दिनों में जब RT-PCR कोई नहीं कर पा रहा था, इन्होंने अपने आप फैसिलिटी चालू की और अभी उन्होंने दिल्ली की सबसे पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब चालू की। डॉक्टर सुरेश कुमार LNJP हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं। उनकी देखरेख में LNJP हॉस्पिटल ने देश के सबसे ज्यादा पेशेंट्स का इलाज किया। LNJP हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जिसने 20,500 कोरोना के पेशेंट्स का इलाज किया, सबसे ज्यादा पेशेंट्स पूरे देश में। डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा, इन्होंने दिल्ली नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया से मैक्स हॉस्पिटल में लोग इलाज कराने के लिए आते थे, इन्होंने उनके इलाज किए और देश का सबसे पहला प्लाज्मा ट्रीटमेंट इन्होंने शुरू किया। इनकी देखरेख में ढेरों हजारों होम केयर पेशेंट्स और OPD और कई सारे जो एडमिट हुए पेशेंट्स मैक्स हॉस्पिटल्स में उनका इलाज किया गया। मैं सभी की तरफ से इन तीनों डॉक्टर्स को बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ केंद्र सरकार से कि इन तीनों को पद्मा अवार्ड दे के जो देश चाहता है, देश के लोगों की इच्छा पूरी की जाए।